हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल सी केक की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और बिना एग्स, बिना ओवन के घर के नॉर्मल कढ़ाई में हम इसे बनाएंगे और खाने में ये एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ लूँगी आधा कप दूध, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है ये। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि दूध थोड़ा फट जाए। फिर एक दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन भी बन गया है, इसे भी साइड में रख देंगे। अब हम अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो कोई भी मोटे बेस वाली कढ़ाई लीजिए, उसमें नीचे हम थोड़ा नमक डाल देंगे, नॉर्मल खाने वाला नमक है ये, और इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे। इसे हम ढक के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ये हार्ट शेप वाला एक मोल्ड लिया है, आप कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। इसे हम ऑयल से पहले थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, इसे सभी साइड से ग्रीस करना है हमें। फिर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दूँगी, उसे भी पूरे कॉर्नर्स में पूरा स्प्रेड कर लेना है। तो बस मोल्ड भी हो गया है तैयार। इसके बाद हम केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल, इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, घर की नॉर्मल दही है ये, और 1/2 कप प्लस 2 चम्मच मैं यहाँ पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को हमें पूरी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये एकदम क्रीमी और फ्लफी हो जाए। तो इसके बाद हम इस पर एक छन्नी रखेंगे और डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच नमक। तो बस इन सारी चीज़ों को छान लेंगे हम ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसके बाद हम इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे एक स्पैचुला। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड मेथड में हमें इसे मिक्स करना है। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये कॉफ़ी का मिक्सचर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ कॉफ़ी डालना ऑप्शनल है, अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट हल्की सी कॉफ़ी चॉकलेट का टेस्ट और भी एनहांस करता है। इसके बाद हम डालेंगे ये दूध, देखिए ये अच्छे से कर्डल हो गया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है और देखिए इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है, बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा बैटर बनाना है हमें। बस बैटर हो गया है तैयार, इसे अब हम डाल देंगे हमारे ग्रीस किए हुए मोल्ड में। और मोल्ड को भी थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। कढ़ाई भी अब अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें से अच्छी सी हीट आ रही है। अब मोल्ड को भी सावधानी से इसमें रख देंगे। ऊपर से ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। तो जब तक हमारा केक पक रहा है तब तक हम हमारी क्रीम भी रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ ली है 1 कप क्रीम, अमूल की क्रीम आपको इजीली
कहीं भी मिल जाती है। इसमें डालेंगे 1/4 कप पीसी हुई चीनी और साथ में मैं डाल दूंगी 1/4 कप कोको पाउडर। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से व्हिप करेंगे, पर पहले इसे ऐसे बिना ऑन किए 2-3 बार घुमा लीजिए, नहीं तो ये चारों ओर उड़कर पूरा किचन ख़राब कर देगा। तो मिक्स करेंगे इसे ऐसे थोड़ा सा बिना ऑन किए। अब हम इसे व्हिप कर लेंगे। तो इसे व्हिप करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना बने। आप देख सकते हैं क्रीम में स्टिफ पीक्स बन रही है। और इसे चेक करने का और एक तरीका है, ये बोल अगर हमने उल्टा किया तो देखिए क्रीम बिल्कुल नहीं गिरती है। और इस क्रीम को आप जब तक यूज़ नहीं करते हैं तब तक आप इसे फ्रिज में रख दें। अब केक को रख के हमें 35 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं हम इसे। साइड में टूथपिक क्लीन आई है, सेंटर में भी चेक करते हैं। सेंटर में टूथपिक थोड़ी अनक्लीन आई है, तो इसे हम 5 मिनट और रखेंगे। अब देखते हैं 5 मिनट बाद सेंटर में भी टूथपिक डाल के, अब ये देखिए पूरी तरह क्लीन निकली है। तो अब हमारा केक एकदम रेडी है, गैस ऑफ कर लेंगे। केक को हम एक रैक पर रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और ऊपर से कपड़े से ढक देंगे ताकि ऊपर की लेयर भी सॉफ्ट ही रहे। इसे करीब 30 मिनट लगते हैं पूरा ठंडा होने के लिए। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो एक बोल में मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी लूँगी, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे नॉर्मल पानी और मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उस पर मैं रख दूँगी चॉकलेट के पीसेस किया हुआ एक बोल। मैंने यहाँ डेयरी मिल्क वाली कैडबरी ली है, बट आप डार्क चॉकलेट ले लेना, मेरे पास यही चॉकलेट थी तो मैंने यही ले ली। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस कलर में आपको डिफरेंस दिखेगा, कलर डार्क मिलेगा। तो इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप क्रीम और थोड़ा सा बटर। ऐसे डबल बॉयलर सिस्टम से चॉकलेट जलती भी नहीं है और अच्छे से मेल्ट होकर क्रीमी टेक्सचर के साथ ये गनाश भी बन जाता है। तो यहाँ ये हो गया है। अब हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे, तो चाकू की मदद से इसके साइड्स निकाल लेंगे। अब प्लेट पर इसे उल्टा कर लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से ये निकल गया है, मोल्ड को बिल्कुल भी नहीं चिपका है हमारा केक। ये देखिए सुपर सॉफ्ट केक बना है। तो इसको मैं 2 लेयर में बना रही हूँ। तो इसे अब हम साइड से कट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली नाइफ से कट कर सकते हैं। या आप इसके बाउंड्री से ऐसे कट मार के उसमें ऐसे धागा अटकाकर हल्के हाथों से दूसरे साइड तक लाकर इजीली कट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली लेयर को साइड में रखते हैं और इस लेयर पे हम शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप को पूरे साइड से भी डालना है ताकि अपना ये लेयर एकदम मॉइस्ट हो जाए। अब जो क्रीम हमने बना ली थी वो मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दी है, वो डाल देंगे और एक चाकू की मदद से ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। अब रख दी है मैंने दूसरी लेयर भी, इस पर भी हमने शुगर सिरप लगाना है और क्रीम लगा देंगे। इस बार ऊपर भी क्रीम लगानी है और साइड से भी लगा देना है। इसे भी ऊपर से एकदम इवन कर लेंगे, एक स्पैचुला या नाइफ से आप किसी से भी कर सकते हैं। अब हम अपने केक को फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये जो क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब केक को 20 मिनट हो गए हैं फ्रिज में से, मैंने ये निकाल लिया है, क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हमारा चॉकलेट गनाश भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इसे भी डाल देंगे केक पर
और कवर कर लेंगे अच्छे से। गनाश डालने के बाद भी 10 मिनट फ्रिज में केक को हमें रखना है गनाश अच्छे से सेट होने के लिए। ये देखिए गनाश अच्छे से सेट हो गया है। अब हम कर लेंगे केक को गार्निश। तो मैंने यहाँ कुछ चॉकलेट पीसेस लिए हैं, तो चॉकलेट पीसेस से हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं आपके मन से। थोड़े से काजू के पीसेस लिए हैं मैंने, इससे भी मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी। ये देखिए इसी के साथ रेडी है हमारा ये सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक। चलिए इसे कट करके देखते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी दिख रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।